प्रदेश के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी सभी 72 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ नामांकन दाखिल किया। इसी कड़ी में रायपुर जिले के सभी भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, नंद कुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी, देवजी भाई पटेल, चंद्रशेखर साहू, संजय ढीडी एकात्म परिसर से एक साथ नामांकन दाखिल करने गए। इस अवसर पर रायपुर सांसद रमेश बैस, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू कुमार अग्रवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बिलासपुर में अमर अग्रवाल के साथ उपस्थित रहे। रायपुर में भाजपा प्रत्याशियों के साथ उनके हजारों समर्थक भी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से निर्धारित निर्वाचन कार्यालय में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया था और जीत के लिए नारे भी लगाया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान रायपुर पश्चिम के प्रत्याशी राजेश मूणत ने विकास का जो अमली जामा डॉक्टर ने पहनाया है उसे लेकर मतदाताओं के बीच जाने की बात कही। रायपुर उत्तर के प्रत्याशी श्रीचंद सुंदरानी को बड़े ही जद्दोजहद के बाद टिकट मिली, लेकिन वे अपनी जीत पर अस्वस्थ नजर आए। सुंदरानी ने अपने क्षेत्र में किए गए विकास को लेकर आम जनता का साथ होना बताया। वहीं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर साहू पर भाजपा ने फिर विश्वास किया। साहू ने नामांकन भरने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से कहा वे आज से ही क्षेत्रों में खुद को चंपू साहू मानकर चुनाव प्रचार करें। पिछली गलतियों को दूर कर इस बार रिकॉर्ड मत से जीतने की बात चंद्रशेखर साहू ने कही। सबके साथ सबका विकास, यही लक्ष्य, यही उद्देश्य, यही कल्पना को लेकर के जनता के बीच में गया हूँ मैं। पहले और आज इस बात का कि रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी, रायपुर शहर को एक मॉडल टाउन बनाना है, वो संपूर्ण सुविधा इस शहर के अंदर देना जो एक अच्छी मेट्रो सिटी के अंदर होती है। इस कंसेप्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। आज हमने 7 सीटों पर एक साथ नामांकन किया। हम सब कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, आओ हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ में विकास के काम को आगे बढ़ाएं। जो कठिनाई से चीज़ मिलती है ना, उसका स्वाद बड़ा मीठा होता है। जो चीज़ आसानी से मिलती है शायद उसका स्वाद उतना मीठा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, मुझे दूसरी बार विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया है। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर व्यक्त किया है, उस कसौटी पर मैं 100% खरा उतरूँ। आज पर्चा दाखिल करने के बाद हमारे कर्ता, हमारे सभी सब चिंतक, एक एक हमारे जुझारू कार्यकर्ता, हमारी बहनें फिर से अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कमल फूल के वोट के बढ़ोतरी के लिए, अपने बूथ में अपनी मजबूती के लिए जुटेंगे, रणनीति बनाएंगे, दौरा करेंगे, घर घर जाएंगे और जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, लाभार्थियों के बीच में पहुंचेंगे, पुख्ता रणनीति बनाकर जो विपक्ष के साजिश है उसको विफल करेंगे और अपने अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी के वोटों में वृद्धि करेंगे, चुनाव क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए काम करेंगे। यही आह्वान हमने आज किया है और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उन्हें आह्वान किया हूं कि वो चंपू भैया बन के, प्रत्याशी बन के आगे आए। इसी आह्वान के साथ हमने उसका निवेदन किया। बहरहाल सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए केवल प्रदेश में हुए विकास को लेकर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।